इंटरनेशनल सिंगर कैटी पेरी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। इनके एक पार्टनर हैं ओनाल्डो ब्लूम, और इन दोनों ने अभी एक अनाउंसमेंट की है कि इन्हें एक बच्ची का जन्म हुआ है। इस बात की खबर एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर करके की गई है, और इस लड़की का नाम इन्होंने डेसी डो ब्लूम रखा है। फोटो शेयर करते हुए ये बताती हैं कि इनकी बच्ची की डिलीवरी बिल्कुल सेफ और हेल्दी हुई है। इसके साथ ही कैटी पेरी ने ये भी बताया कि इस साल जो उनकी एक न्यू एल्बम आई थी उसका एक गाना था नेवर बॉर्न वाइट, उसके अंदर भी वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन इनकी बेबी की डिलीवरी उस टाइम हुई है जबकि कोरोना वायरस की पैंडेमिक पूरी दुनिया में फैली हुई है। ऐसे में इनको उसकी सेहत की और अपनी सेहत की काफी चिंता सता रही है। यहाँ बताया गया है कि पूरी दुनिया में हेल्थ वर्कर्स की कमी हो रही है, और हर 11 सेकंड के अंदर कोई प्रेग्नेंट वुमेन या कोई न्यू बॉर्न बच्चा मर जाता है, क्योंकि इस वायरस की अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं है, तो इस वजह से उन लोगों में ये रिस्क अभी तक बना हुआ है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए उन्होंने अपनी बेटी के बर्थ पर एक डोनेशन पेज बनाया है, और उसमें ये ऐसी ही मदर्स की और ऐसी ही बच्चों की मदद करेंगे जो कि इन्हीं की जैसी हालत में इस टाइम है। वैसे आपको बता दूं कि कैटी पेरी ने सबसे पहले 2010 में रसेल ब्रांड से शादी की थी, लेकिन उसके बाद इनकी शादी को 2012 में डाइवोर्स हो गया था। उसके बाद ओनाल्डो ब्लूम 2016 से इनके पार्टनर बने हुए हैं, और इन्होंने अब जाके ये न्यूज़ अपने फैंस को दी है। ओनाल्डो ब्लूम के बारे में आपको बता दूं कि एक इंग्लिश एक्टर हैं, यूके में रहते हैं, और इनकी एज 43 है। वहीं कैटी पेरी की एज इस वक्त 35 ईयर्स है। जहां कैटी पेरी की शादी रसेल ब्रांड से हुई थी, वहीं ओनाल्डो ब्लूम की शादी मिरांडा कैर से हो चुकी थी। उनकी शादी को 2010 में हुई थी, और 2013 में उनका भी डाइवोर्स हो चुका था। फिलहाल कैटी पेरी और ओनाल्डो ब्लूम की एक बच्ची हुई है, ये इनकी पहली बच्ची है, और कैटी पेरी का नाम इस वक्त ट्रेंड में चल रहा है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।